कहीं तोड़फोड़ करोगे तो सात पीढ़ियां याद करेगी, वसूली करूंगा प्यार से। ये मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को मैं रोक नहीं पाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं करता। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के तमाम राज्यों में गौवत अधिनियम भी लागू है, लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस इतना तो साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाके खिलवाड़ करती है, और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है। ये वही अंग्रेजों का DNA इनके अंदर आ गया है, और उसी को ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भारत पे थोपना चाहते हैं। भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन लोग कहते हैं यूपी में तो आपने पलट दिया है, अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। देखिए आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए पिछले 7 वर्ष के अंदर कोई कर्फ्यू नहीं लगा, तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कावड़ यात्रा तो निकलेगी नहीं, और उस आस्था को सम्मान तो नहीं देना ही देना। कावड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम दो कार्य कर लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की, दूसरा पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हो। तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भाजेंगे, उधर तलवार भाजेंगे, इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई। ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेगी, वसूली करूंगा प्यार से। कर्फ्यू लगा ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित में नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर है, ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, मस्जिदों के धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा छोटा बच्चा वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा था। आज उसका मूड आज देखिए यूपी के अंदर आप देख रहे हो कितना पीसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं।
और ये सब पे बराबर लागू हुआ है। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, अभी राम जन्मभूमि के उसमें आपने देखा होगा अभी भी चल रहा है। यानी प्रतिदिन चुनाव घोषित होने के पहले तक 3 लाख एवरेज था पर डे का, 3 से 5 लाख, इस समय भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण सारे लोग श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर रहे हैं, भूत होके जा रहे हैं एक नई अयोध्या देख करके। सब लोग इतने भावुक हैं, अयोध्या के बारे में जो सुना था और आज जब अयोध्या को देखते हैं विस्मित है। अयोध्या में 4 लेन, अयोध्या में 6 लेन, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, ये भोजनालय माता सबरी के नाम पर, विश्रामालय अगर आपको देखना है तो निषाद राज के नाम पर। नई अयोध्या की नई पहचान है, भगवान राम के सभी सहयोगी आज अयोध्या के साथ जोड़ करके अयोध्या की यात्रा को और मजबूत बना रहे हैं और अयोध्या में राम। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए और सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है, क्या नहीं कहना चाहिए था, तो आप सभी अपनी राय जरूर दें। हम अलग करके नहीं देख सकते, जहां पे भाव होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ भी जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए, होई ना प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, हमारा संकल्प था ही शुरू से, भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही कुछ उठाए प्रण कीन, हम तो राम भक्त हैं तो यही तो हम भी करेंगे। निस्सर पापी हैं, गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया, लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से बेल। देखिए दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूँ, अयोध्या में रामलला विराजमान हूं, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है कि यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही वही काम यूपी में हुआ। देखिए सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता की सरप्रस्त थी, जिनके समय में जब उनका काफला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे, आज क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई, पैंट गीली। एक माफिया रोज चिल्लाता था ऐसा मेरी जान को खतरा है। हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। बहुत जल्दी अभी लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही, आप मुझे बताओ जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो वो कब तक बस्ता बस्ता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर रहे, समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए, तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस ने संवेदना की।
और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाले वो सुबह रहते हैं। यही फर्क है, देश यही बर्दाश्त नहीं करता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर ली है, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी हमने वापस ली, और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों की आवास बनाए, और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्य योजना हमारी बन चुकी है कि माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुरुओं की भी जितनी संपत्ति हो